ग्रीन्स मोटो में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में मेनली जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है नीट 2023 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट 2023 में नीट के एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप करने वाले हैं या नीट 2023 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर की गई है उसके बारे में आपको पता चल सके। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे जो मेडिकल के एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स हैं या फिर नीट का जो एग्जाम है उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अभी नहीं पता है कि जो नीट का एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स को अगर ये जानकारी नहीं है कि नीट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है, तो स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिलअप होना स्टार्ट हो गया है। और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 6 मार्च 2023 से फिलअप होना स्टार्ट हो गया और इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 अप्रैल 2023 है। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं अगर नीट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको अगर फिल नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी जो ऑनलाइन सेंटर है वहाँ जाकर जो अपना एप्लीकेशन फॉर्म है उसको जरूर से जल्दी फिलअप कर दें। जिन भी स्टूडेंट्स ने अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दें, क्योंकि बाद में क्या होता है जब आप लास्ट में जब एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं तो या तो साइट दिक्कत करती है या फिर आपको अपने मनपसंद का जो सेंटर है वो नहीं मिल पाता है, जैसे एक टाइप का डिस्ट्रैक्शन ही एग्जाम में होता है। तो इसीलिए क्यों इतना ज़्यादा टेंशन क्रिएट करना, जल्दी से जल्दी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए, जैसे आप एक टाइप की टेंशन फ्री हो जाएंगे कि अब एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुका है तो अब पूरा का पूरा जो माइंड है वो प्रिपरेशन पर होगा। तो इसलिए जल्दी से जल्दी, इसकी जो लास्ट डेट है वो मैंने जैसे बताया अभी कि 6 अप्रैल 2023 है और शायद एग्जाम जो है वो मेनली 7 मई 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा। तो इसलिए अगर जिनने भी अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म को फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी जाकर ऑनलाइन सेंटर पे अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल कर दें। एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास जो वही जो नॉर्मल से डॉक्यूमेंट है वो होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपका 10th और 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए, जो एक ईमेल आईडी जो मतलब यूज़ होती है उस टाइम एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम वो होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा एक फ़ोन नंबर जो है वो उसमें मतलब लगाया जाएगा जिसमें OTP ट्रांसफर होगी और साथ ही साथ आधार कार्ड की जरूरत पड़ेगी। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी आपको रिक्वायरमेंट होगी जब आप नीट का 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको फिल करेंगे। तो अगर किसी के कोई डाउट या अगर एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड कोई डाउट या कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। और होप सो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।